आपने कला में दिलचस्पी दिल्ली आके आपकी कब अवेयर कब हुई कि आपकी मदर ने आपको इनकरेज किया या नहीं? कला में हमें कभी किसी ने इनकरेज नहीं अच्छा। किया ना ही मैं डिस्करेज किया। ये समझ लीजिए मैं जब स्कूल में थी तो क्योंकि मुझे आता था ये सबको मालूम था कि मुझे आता है बनाना पता नहीं कैसे तो स्कूल के चार्ट वगैरह मैं बनाया करती थी। जब ये हायर सेकेंडरी कर लिया मैंने मैं कॉलेज में दाखिल हो गई आईपी कॉलेज में तो बाय चांस एक दिन मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी माँ से पूछा कि वो क्या कर रही है तो उन्होंने बताया तो उन्होंने मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि वो आर्ट में क्यों नहीं गई तो हमें तो मालूम भी नहीं था कि आर्ट का कोई फर्द ऐसे हायर एजुकेशन है या कुछ तो ये उन्होंने सारा अरेंज किया कि मैं आर्ट कॉलेज में जाऊं इंटरव्यू मेरा और टेस्ट ये सब। अच्छा तब तक क्लासेस शुरू हो गया था तो मेरे लिए खास टेस्ट हुआ इंटरव्यू हुआ ये सब। तो आपने जब कॉलेज में प्रवेश किया तो अचानक वहाँ कई बड़े बड़े कलाकार तो टीचर थे उस समय तो यानी कि तो वो उनके बीच में आपको अर्लीस्ट मेमोरीज क्या हैं उनके साथ जब आप पहला टेस्ट शैलेश मुखर्जी ने लिया? अच्छा हाँ जी। तो वो उसमें क्या आपका अनुभव था? एक तो था किसी क्लास में मेरे ख्याल तब के थर्ड ईयर क्लास में वो लोग स्टूडेंट्स जो है वो एक मिनरवा के बस्ट रख के उसका ड्राइंग कर रहे थे तो शैलेश मुखर्जी ने मेरे को वहाँ बिठा के बोला कि आप एक पेपर में ये बनाओ तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं बना सकती क्योंकि मैंने कभी ऐसे बनाया नहीं देख के तो उन्होंने कहा कि देखो तुम टेस्ट देने आए हो जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा ये नहीं कि जो तुम चाहोगे तो ये बनाओ बैठ के तो मैं फिर बनाना शुरू किया। जब वो ख़त्म हुआ तब मैं ही सरप्राइज थी कि उसका शक्ल मिलता था उससे। अच्छा तो उससे आपका एडमिशन एक तरह से एडमिशन टेस्ट था। उसके बाद एक और टेस्ट था फिर इंटरव्यू थी जो तब दिल्ली पॉलिटेक्निक था उनके जो प्रिंसिपल थे इंजीनियर थे वो कुछ सेन करके तो ये भवेश सान्याल जी मेरे को लेके उनके पास गए और कहा ये आई है कोई नई लड़की और ऐसे ही इंटरव्यू हुआ छोटा सा मेरा। तो मतलब उस जमाने का कॉलेज तो बहुत ही अलग तरह का था स्टूडेंट्स भी कम थे जी काफ़ी कम स्टूडेंट थे बल्कि परमजीत बता रहे थे कि अविनाश चंद्रा की क्लास में आप जबकि शायद जूनियर थी लेकिन आकर आप बैठ जाती थी उनके क्लास में क्योंकि हमारे क्लास में तब ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता था जो बहुत बोरिंग था और उनके क्लास में अविनाश का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती थी वो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज के ज़्यादा नज़दीक थे वो स्टिल लाइफ वगैरह अरेंज करते थे ड्राइंग्स करवाते थे तो मैं अपना क्लास ख़त्म करके उनके क्लास का काम भी करती थी मतलब इस तरह की उन दोनों सुविधा थी कि आप जाके बैठ जाओ और काम करो बोलते नहीं थे तो आपको उस समय की मतलब जो अपने जो आर्टिस्ट इंडियन आर्टिस्ट थे कोई तब तक आपने देखना शुरू किए थे या जिनका काम अच्छा लगता था? बाय चांस ऐसे है कि मैं जब बहुत छोटी थी हमारे घर में किताबें बहुत होती थी तो किसी एक किताब में इंडियन मिनिएचर का एक प्रिंट मुझे याद है जिसमें लाल रंग का आपने जिक्र किया था कि और कुछ ये मोनालिसा और राफेल का मैडोना इनकी भी रिप्रोडक्शन मैंने देखा हुआ था। अच्छा। तो यही था थोड़ा बहुत जामिनी रॉय पर ये नहीं कि मैं उनकी मतलब फैन थी या बहुत फैन हूँ या बड़ा वैसा ही बनाना चाहती हूँ या मुझे कोई समझ है उसका ऐसा नहीं सरसरी सा जो सामने आया जामिनी राय रविंद्रनाथ का कुछ या अवनेन्द्रनाथ का ऐसे देखा हुआ मैंने ज़रूर था। जब मैं परमजीत की किताब लिख रहा था तो आपसे जब मैंने बात की थी तो आपने मुझे याद एक बात बताई थी कि उन दिनों चूँकि ये सब जो लड़के होते थे ये लोग देर शाम तक घूमते थे और कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं भी मतलब इस तरह से देर तक मैं भी इन सबके साथ घूम सकूँ तो वो जो एटमॉस्फेयर था जब धवन वगैरह ये सब सूरज भाई आप लोगों के साथ के या आपसे सीनियर थे
तो उन दिनों की कुछ यादें या एनेक्डोट्स क्या आपको याद हैं? हाँ, रोज ही मैं सुनती थी, वो लोग कहते थे हम लास्ट बस में घर गए तो मेरे लाइफ की एम्बिशन ही यही थी कि हम भी लास्ट बस में घर आएंगे, और इसीलिए मैंने शादी भी की कि हम लास्ट बस में घर आ सकते। नहीं तो मेरे मदर के घर में तो ये था कि स्ट्रीट लाइट्स ऑन होएंगे तो आप घर में आपका काम होना चाहिए। मुझे ये याद है जी। तो वो जो वो लोग बैठ के कई किस्म की बातें करते थे, बहस करते थे, फिर सब उन दिनों कनॉट प्लेस में शायद बैठते होंगे, कॉफ़ी हाउस वगैरह में, या और चार चार आने डाल के वो किताब खरीदते थे, छोटे छोटे पॉकेट बुक्स। अच्छा। जिसमें मीडो क्ले ये सब, तो वो देख के भी बात करते थे। हम लोग जितने देर हो सके होते थे उसके बाद घर आना पड़ता था।